यहाँ पर ये सीन दिखता है, यहाँ ये और ये, इस जगह पर वो कार है, तो इस जगह पर अब से 25 साल पहले बना हुआ सॉन्ग चांद तारे मैं तोड़ लाऊं, सारी दुनिया में मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। गाने की शूट इस जगह पर किया गया था। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर 25-27 साल बाद काफी चेंजेस आ चुका है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आप देख रहे हो फहीम व्लॉग। दोस्तों मैं आज आपको एक शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ यस बॉस फिल्म की। दोस्तों उस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग है शाहरुख खान सर जी का सॉन्ग, और फिलहाल मैं शाहरुख खान सर जी के बंगलो के बाहर खड़ा हूँ, जिस बंगलो का नाम है मन्नत बंगलो। दोस्तों एक सॉन्ग है जिसकी लिरिक्स बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों लिरिक्स कुछ ऐसा है, चांद तारे मैं तोड़ लाऊं, सारी दुनिया में मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। दोस्तों शाहरुख खान सर ने उस सॉन्ग में बस इतना सा ख्वाब है, बस इतनी सी दुआ में पूरी दुनिया मांग ली थी। वो चाहते थे कि वो पूरी दुनिया पर राज करें, वो चाहते थे कि उनके ऊपर बहुत दौलत बरसे, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी फैन बन जाए, और दोस्तों आज ऐसा ही हुआ है। दोस्तों उसी सॉन्ग के अंदर वो पूरा सॉन्ग एक्चुअली मुंबई में उसके सीन रिकॉर्ड किए गए थे, पूरा बैंड्रा बैंड स्टैंड के पास उसके कुछ सीन रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन उसी में से एक सीन इस जगह पर रिकॉर्ड किया गया है। ये जो आप जगह देख रहे हो, यहीं पर एक कार वाला सीन है, रेड कलर की कार आती है, वो उसके ऊपर चढ़े रहते हैं, और पीछे ये मन्नत बंगलो दिखता रहता है। दोस्तों उस सॉन्ग में मांगा हुआ उनका वो ड्रीम पूरा हुआ है। दोस्तों जब वो सॉन्ग उन्होंने रिकॉर्ड किया था 1997 में, जब फिल्म रिलीज हुई थी, मतलब अब से करीब 25-26 साल पहले शूटिंग हुई होगी उस सॉन्ग की, तब ये बंगलो शाहरुख खान सर जी का बंगलो नहीं था, तब ये उनका एक ड्रीम बंगलो था। उन्होंने प्रॉमिस किया था, मैंने सुना है उनकी वाइफ से, कि वो एक दिन इस बंगलो को बाय करेंगे और ख़रीदेंगे, जो सी फेस पर समंदर के सामने है। और ये उन्होंने 2001 में इसका 14 करोड़ रुपीज़ पे करके बाय किया है। तो दोस्तों आज ये बंगलो रीनेम्ड हो चुका है, जिसका नाम है मन्नत बंगलो। दोस्तों तो उसी मन्नत बंगलो के जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सॉन्ग में बिल्डिंग नहीं है, पुराना यहाँ पर ये बंगलो जो आप देख रहे हो, वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर ये सीन दिखता है, यहाँ ये और ये, इस जगह पर वो कार है, तो इस जगह पर अब से 25 साल पहले बना हुआ सॉन्ग चांद तारे मैं तोड़ लाऊं, सारी दुनिया में मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। गाने की शूट इस जगह पर किया गया था। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर 25-27 साल बाद काफ़ी चेंजेस आ चुका है, आप देख सकते हो ये पूरा बदल चुका है। दोस्तों ये आज एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आके यहाँ पर कुछ पिक्स लेके जाते हैं उनकी मेमोरी के लिए। अभी हमें कुछ पंजाब के लोग मिले थे, जो हमसे मिलके बहुत खुश हुए, और हम भी उनसे मिलके बहुत खुश हुए, वो भी यहाँ पर आए, 10-15 मिनट उन्होंने स्पेंड किया और चले गए। ना जाने ऐसे कितने सारे लोग आज इस बंगलो पर आते हैं और घूमते हैं, जो उन्होंने 2001 में ख़रीदा था। दोस्तों तो कभी कभी कुछ लिरिक्स, कभी कभी कुछ दुआएं कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए कभी भी सपने देखना हमको बंद नहीं करना चाहिए, और बड़े सपनों के साथ हमको जीना चाहिए। देखिए तो यही वो बंगलो था जो शाहरुख खान सर के गाने में दिखाया गया था, और ये वो लोकेशन थी, वो पीछे वो बंगलो था। ये स्क्रीनशॉट में आप देख के ये शूटिंग लोकेशन को समझ सकते हो, जो बैंड स्टैंड पर शाहरुख खान सर का बंगलो है, मन्नत बंगलो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जहाँ पर आपने शाहरुख खान सर जी का मन्नत बंगलो, जो उन्होंने अपने गाने में भी लिया था, तभी ये बंगलो उनका नहीं था, तभी ये एक बंगलो फारसी जी का था, जो गुजराती थे, उनसे इन्होंने बाय किया था 2001 में, और इसके लिए 14 करोड़ रुपीस पे किया था। आज तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, अब से 7-8 साल पहले इसकी कीमत मैंने 200 करोड़ पढ़ा था, अभी ये 500-700 करोड़ से कम का नहीं होगा। और शाहरुख खान सर का बंगलो है, तो नाम से ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो मुंबई की एक खासियत है,
मुंबई में गर्मी बहुत होती है, लेकिन अगर आप समंदर के पास हो तो जब समंदर से हवाएं आती हैं तो वो हमेशा ठंडी आती हैं। मतलब आप देख लो बाहर जो धूप है, जहाँ पर ये कार खड़ी है और मैं इस गार्डन में बैठा हूँ, शाहरुख खान सर के बंगलों के बाहर है, तो इस गार्डन में मैं एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और सामने से समंदर की हवाएं आ रही हैं। यकीन मानो एकदम ठंडी हवाएं आ रही हैं। अदरवाइज़ धूप में तो 3-4 मिनट में अगर आदमी समंदर से हट के खड़ा हो जाए तो पसीने में हो जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी हवा लग रही है कि अगर मैं यहाँ पर चारपाई डाल के तकिया रख के सो जाऊँ तो बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जहाँ पर मैंने आपको 25 साल पहले बने हुए एक सॉन्ग जिसमें शाहरुख खान सर जी ने सब कुछ मांगा था और आज उनको सब कुछ मिल चुका है वो दिखाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप भी कोई लोकेशन या कोई जगह देखना चाहते हो, कोई फिल्म की शूटिंग देखना चाहते हो, तो कमेंट करके बताओ। बस मैं आपकी की हुई कमेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग और आपकी कमेंट देने के लिए। आप जो कमेंट करते हो उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हर एक बंदा जो कमेंट कर रहा है, लव यू, आई लव यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।